नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई में आपका स्वागत है। हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आज हम इतिहास विषय में चौथा पाठ 1857 का युद्ध, स्वतंत्रता युद्ध के स्वाध्याय को लेकर प्रस्तुत हैं। आइए स्वाध्याय हल करते हैं। दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प चुनकर पुनः लिखो। उमाजी नाई स्वतंत्रता स्वातंत्र्य समर, लॉर्ड डलहौजी भारत प्रधानमंत्री तट्य को। स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने 1857 ईस्वी के युद्ध को स्वातंत्र्य समर नाम दिया। हिंडारियों को संगठित कर उमाजी नाईक ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। 1857 ईस्वी के युद्ध के पश्चात भारत का शासन चलाने के लिए भारत मंत्री पद इंग्लैंड की सरकार में निर्मित किया गया। भारत की सियासतों का लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल ने विलय कर दिया। निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट करो। अंग्रेजों के विरुद्ध पाइकों ने सशस्त्र संघर्ष किया, इसका क्या कारण था? यहाँ से अंग्रेजों ने पाइकों की वंश परंपरागत भूमि छीन ली, फलतः पाइक क्रोधित हुए। साथ ही अंग्रेजों द्वारा नमक पर लगाए गए करों के कारण नमक के मूल्य में वृद्धि होकर साधारण लोगों का जीवन जीना दुभर हो गया। इसके परिणाम स्वरूप 1817 ईस्वी में पाइकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। अगला प्रश्न है, हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हुआ, इसका क्या कारण था? यहाँ पर आइए, अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में भारतीय सैनिकों को दूर तक मार करने वाली एनफील्ड बंदूकें दी थी। इसमें उपयोग में आने वाले कारतूसों का ढक्कन दांतों से खोलना पड़ता था। इन आवरणों पर गाय एवं सूर की चर्बी लगी होती थी। यह समाचार चारों ओर फैल गया। इससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और सैनिकों में असंतोष निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय सैनिक अंग्रेजों के सामने अपना प्रभाव जमा नहीं पाए, इसका उत्तर इस प्रकार से है। अंग्रेजों के पेज नंबर 19 पर, अंग्रेजों के पास बड़ी धन शक्ति, अनुशासनबद्ध सेना, आधुनिक शस्त्र अस्त्र और अनुभवी सेनानी थे। संचार व्यवस्था उनके नियंत्रण में होने से उनकी गतिविधियां शीघ्र गति से होती थी। परिणामस्वरूप भारतीय सैनिक उनके सामने अपना प्रभाव नहीं जमा पाए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र युद्ध के पश्चात भारतीय सैनिकों की टुकड़ियों को जाति के अनुसार विभाजित किया गया, क्या कारण था? तोपखाना पूर्णतः अंग्रेज अधिकारियों के नियंत्रण में था रखा गया। सेना की टुकड़ियों को जाति के अनुसार विभाजित किया गया। भारतीय सैनिक इकट्ठे आकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह नहीं करेंगे, इसलिए ऐसी सावधानी रखी गई थी। सैनिक विद्रोह नहीं कर सकेंगे, इसके लिए सेना की टुकड़ियों को जात के अनुसार विभाजित किया गया था। पांचवा प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग धंधों पर कठोर कर लाद दिए, अंग्रेजों ने आर्थिक आय में वृद्धि करने हेतु नई राजस्व प्रणाली को चलाया। किसानों से जबरदस्ती राजस्व की वसूली की जाती थी। परिणाम यह हुआ कि कृषि व्यवस्था चरमरा गई। इंग्लैंड के बाजार का माल भारत में खपाकर आर्थिक लाभ प्राप्त करना अंग्रेजों की नीति थी। उन्होंने यहाँ के उद्योगों पर इसलिए कठोर कर लगाए। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखो। 1857 के स्वतंत्रता युद्ध के पीछे कौन से सामाजिक कारण थे? यहाँ देखिए पेज नंबर 16 पर, सामाजिक कारण ये था कि भारतीयों को लगने लगा ताकि अंग्रेज हमारी रीति रिवाजों, परंपराओं, रूढ़ियों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सती पर रोक लगाना, विधवा विवाह को पुनः मान्यता देना जैसे कानून यद्यपि सामाजिक दृष्टिकोण से उचित थे, फिर भी अंग्रेज हमारी जीवन पद्धति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ऐसी सोच भारतीयों ने बना ली थी, अतः भारतीय भी असंतुष्ट हो गए थे। 1857 के युद्ध में भारतीय विफल क्यों रहे? भारतीय युद्ध की विफलता के कारण, युद्ध की विफलता के कारण 1857 की युद्ध का निम्न कारणों से विफल रहा। युद्ध का प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हुआ।
यह युद्ध एक संपूर्ण भारत में एक ही समय में नहीं हुआ। उत्तर भारत में युद्ध की प्रबलता पकड़ता अधिक थी। उत्तर के राजपूताना, पंजाब, बंगाल का कुछ हिस्सा पूर्वोत्तर वाली युद्ध से अछूते रहे। सर्वमान्य नेताओं का अभाव। इस युद्ध में भारतीय स्तर पर अंग्रेजों के विरोध में सशक्त और सर्वमान्य कोई नेतृत्व निर्माण नहीं हो सका था, अतः अंग्रेजों के विरोध में एकता लाई नहीं जा सकी। रियासतदारों के समर्थन का अभाव। अंग्रेजी सत्ता से त्रस्त जितनी सामान्य जनता थी उतने ही त्रस्त रियासतदार भी थे। उनमें से कुछ रियासतदारों को छोड़ दिया तो अन्य रियासतदारों ने अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान रहे। अगला कारण था सैनिकी कूटनीति का अभाव। भारतीय सैनिकों में वीरता और सर्व कुट कुट भरा हुआ था, परंतु उचित समय पर उचित दांव पे उन्हें खेलना नहीं आया। और उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति अंग्रेजों के लिए अनुकूल थी। रूस के साथ चल रहा अंग्रेजों का क्रीमियन युद्ध इस समय समाप्त हुआ था। इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। विश्व के कई देशों के साथ मिलकर उसका व्यापार चलता था। अंग्रेजों के पास प्रबल नौसेना थी। इसके विपरीत स्थिति विद्रोहियों की थी, तो इसके कारण युद्ध विफल हुआ था। ये इतने जो कारण हैं इन कारणों से 1857 की स्वतंत्रता युद्ध के परिणाम। ये था ईस्ट इंडिया कंपनी का ये स्वतंत्रता युद्ध के परिणाम। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। कंपनी की शासन सत्ता के कारण ही भारतीयों का संतोष बढ़ता गया और अंग्रेजी सत्ता के समूह 1857 के युद्ध की चुनौती कड़ी हुई। यह बोध इंग्लैंड की रानी को हुआ। उन्हें अनुभव हुआ कि भारत की अंग्रेजी सत्ता कंपनी के हाथों में सुरक्षित नहीं रह गई है। अतः ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1858 ईस्वी में कानून बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। गवर्नर जलपथ के स्थान पर वायसराय पद का निर्माण किया। लॉर्ड कनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बना। साथ ही भारत का शासन चलन के भारत मंत्री पद का निर्माण किया गया। इंग्लैंड के शासन ने निर्मित किया गया। ये परिवर्तन हुए 1857 युद्ध के कारण। 1857 युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने कौन से नीतिगत परिवर्तन किए। नीतिगत परिवर्तन यहाँ पे देखिए पेज नंबर 20 पर। नीतिगत परिवर्तन, अंग्रेजों ने भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक विषयों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। साथ ही भारतीय समाज सामाजिक रूप में इकट्ठा नहीं होगा इसकी सावधानी रखना प्रारंभ किया। भारतीयों में जाति, धर्म, वंश और प्रदेश के नाम पर हमेशा विवाद संघर्ष होते रहेंगे। एक दूसरे के प्रति भारतीयों के मन कलुषित होते रहेंगे। ऐसी नीतियां चलाई जाने लगी। फूट डालो और राज करो, यह सूत्र अंग्रेजी शासन का रहा। इस प्रकार से हमारा यह पाठ का स्वाध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।